गाड़ी को थोड़ा पीछे घुमाइए। पहले गाड़ियां ऐसे दिखा करती थी, पर अब गाड़ियां ऐसे दिखती है। ये हेडलाइट्स अपनी जगह से नीचे कैसे आ गए? बम्पर माउंटेड या स्प्लिट हेडलैम्प्स, चाहे वो सेडान, एसयूवी या हैचबैक हो, आजकल की गाड़ियों का ट्रेंड है। ग्लोबली इसको इंट्रोड्यूस किया पॉन्टियाक की एस्टेक, पर इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 2019 में टाटा की हैरियर के साथ। फिर एमजी की हेक्टर, रेनो की क्विड और रिसेंटली ह्यूंडई वर्ना और अपकमिंग टाटा नेक्सॉन में भी स्प्लिट हेडलैम्प्स आ गए। पर हेडलैम्प्स को बम्पर पे रखने का कोई रीजन है? एक लॉजिक ये है कि क्योंकि आजकल की गाड़ियां ज्यादा ऊंची हो गई है, तो हेडलैम्प्स को नीचे बम्पर में प्लेस करने से सामने वाली गाड़ी को ग्लेयर नहीं होता। पर ये बात क्रेटा ओनर्स को कौन समझाए? दूसरा लॉजिक है डिजाइन। रीसेंट मॉडर्न कार्स में ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट एलईडी लाइट्स होते हैं, जिन्हें हैलोजन्स के जैसे बड़े हाउसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस कॉम्पैक्ट डिजाइन को यूज करके कार मेकर्स हेडलैम्प्स को स्लीक और विजिबली हिडन बना सकते हैं। तो स्प्लिट हेडलैम्प्स पे आपका क्या ओपिनियन है? लव इट और हेट इट? और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू कार्स 24।